नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका व्यापारी दोस्त युगल और आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा किराना व्यवसाय के बारे में। किराना व्यवसाय जो कि शुरू करना बहुत आसान है, इतना आसान कि मतलब अगर मैं कहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो वो किराने का व्यवसाय आप आसानी से शुरू कर सकते हो, बहुत ही छोटी पूंजी से, छोटी लागत से। पर हाँ दोस्तों, एक और सच ये भी है कि जितना आसान इसको शुरू करना है उतना ही मुश्किल इस काम को, इस धंधे को, इस किराना व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, सक्सेस करना है। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, कस्बे में, गांव में, जहां भी आप रहते हो, कई दुकानें खुलती होंगी हर साल और उनमें से कई दुकानें बंद भी हो जाती होंगी। पर कुछ दुकानें हैं जो सक्सेस हो जाती होंगी और जो सालों से चलती हुई आ रही हैं, वो आज भी चल रही हैं, पर उनके आसपास जो नई दुकानें खुली थी वो बंद भी हो गई, पता ही नहीं पड़ा, ना आता ना पता, कुछ पता नहीं पड़ा और वो आए और गए। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, किराने की दुकान खोलना बहुत आसान है। आप 15-20 हजार रुपए की लागत से इस व्यवसाय को शुरू कर दो और आपका काम चालू हो जाएगा। पर चालू करना तो बहुत आसान है, एक बार आप रकम इकट्ठी लेके गए, माल भर लिया आपने, जिससे माल लेके आए वो भी खुश, इकट्ठा मेरे पास एक नया ग्राहक फंस गया। लेकिन माल खरीदना बड़ी बात नहीं है, माल दुकान में भरना बड़ी बात नहीं है, दुकान खोलना बड़ी बात नहीं है, पर माल बेचना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में समझाता हूं कि माल खरीदना बड़ी बात नहीं है, माल बेचना बड़ी बात है। तो बेचना सीखो। माल खरीद तो आप एक फोन पे लोगे, एक फोन पे 50,000 का माल आपके पास आ जाएगा, कंपनी आपको छोड़ जाएगी, डिलीवरी दे जाएगी, लेकिन वो माल आप बेचोगे कैसे? बेचना सीखो। तो गाइस, बेचने के भी कई सारे नियम होते हैं, वो नियम मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में जो मेरे आएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किराने का व्यवसाय अगर आप चालू करना चाहते हो तो एक कहावत है कि अगर आप किसी दुश्मन से बदला लेना चाहते हो तो इसे दुकान खिला दो किराने की, ग्रोसरी दुकान, किराने की दुकान। अगर आपको उस दुश्मन से दुश्मनी निकालनी है, हमारे में कहावत है, तो उसको दुकान खुलवा दो किराना की, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ड्यूटी बहुत हैवी होती है, इसमें टाइम काफी देना पड़ेगा आपको। कभी देखा होगा आपने, कपड़े का मार्केट हमेशा 11 बजे खुल जाएगा लेकिन किराने की दुकान सुबह 6 बजे खुल जाती है गली गुच्छों में, तो क्योंकि वो दूध बेचता है, दही, ब्रेड, बेकरी सब तो बेचता है वो, तो उसकी टाइमिंग क्या लंबी होती है। दूध तो आदमी सुबह खरीदेगा, 11 बजे क्यों खरीदेगा, क्योंकि चाय सुबह पीता है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें सबसे पहले तो ड्यूटी इतनी लंबी होती है कि हर किसी की बस की नहीं रहती वो लंबी ड्यूटी देना, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे, सुबह 6 बजे से लेकर 5:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक बैठना। तो इसलिए कई लोग हार मान जाते हैं कि वो अकेले होते हैं, ना उनके साथ उनके भाई लोग होते हैं, ना पिता लोग होते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप अकेले हो तो ये काम आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूटी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। सेकंड, जो अक्सर लोग दुकान चालू करके बंद कर देते हैं, वो होता है इसमें त्याग। दोस्तों, आपको इसमें हर तरह का त्याग देना पड़ेगा, ना आप रिश्तेदारी निभा पाओगे, ना आप दोस्तियां निभा पाओगे, सिर्फ घर से दुकान और दुकान से घर। और आपकी पहचान क्या हो जाएगी जानते हैं आप? सिर्फ एक झोला छाप। आप क्या कहलाओगे? झोला छाप। अब झोला छाप क्यों कहलाओगे, वो उसका ही मैं वीडियो बनाऊंगा अगले वीडियो में, वो भी आपसे शेयर करूंगा कि आप झोला छाप क्यों कहलाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए आपके आस पड़ोस में कई तरह की दुकानें जो खुलती भी हैं और बंद भी हो जाती हैं, वो लोग आते भी हैं और चले भी जाते हैं, उसका एक मुख्य कारण है इसकी ड्यूटी देना। वो ड्यूटी नहीं दे पाते इतनी लंबी, और वो त्याग नहीं दे पाते, वो ना दोस्ती छोड़ पाते। अगर आप दोस्ती निभाओगे तो दुकानदारी नहीं कर पाओगे, और अगर दोस्ती छोड़ोगे तो दुकानदार भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपको दोस्ती का त्याग देना पड़ेगा, आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, वो त्याग करना पड़ेगा। अगर आप त्योहार मनाना चाहते हो तो आप दुकान नहीं चला पाओगे, क्योंकि त्योहारों पे तो उल्टा किराना में ज्यादा भीड़भाड़ होती है, आपका सीजन होता है। मान लीजिए आज दिवाली है और आप चाहो कि मैं अपने बच्चों के साथ नए कपड़े पहन के दिवाली में फटाके जलाऊं, मिठाइयां खाऊं और एंजॉय करूं, तो गाइस आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी।
और दुकान बंद करोगे तो फिर आपका व्यापार जो आपके ग्राहक वो लौटेंगे। तो त्याग बहुत बड़ा है इसमें। और तीसरी चीज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है समर्पण। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट में क्या चीज आ रही है, क्या चीज नई आई है जो मेरी दुकान पर नहीं है, क्या स्टॉक खत्म हो रहा है, क्या आ रहा है। कोई ग्राहक आपसे लौट गया तो वो क्यों लौट गया, वो कंपनी का जो माल है, वो प्रोडक्ट है, वो साबुन है या फिर सर्फ है, जो भी है एक्स वाई जेड, वो मेरे पास शॉर्ट क्यों हो गया, वो आपको अपनी डायरी में मेंटेन करना पड़ेगा, बाय और सेल की डायरी में, जहां पे आप खरीदते हो बेचते हो, जो प्रोडक्ट कमी है, जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने आलस किया कि यार कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, तो आप जितने ग्राहक लौटते जाएंगे उतना आपका लॉस बढ़ता जाएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि इसमें मुनाफा कम होता है, मुनाफा अच्छा होता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये तीन चीजें जो होती हैं, समर्पण, त्याग और ड्यूटी, अगर ये तीन चीजें आपके अंदर हैं तो आप भी किराना दुकान आरंभ कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कहूंगा करो। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, टाइमिंग ऐसी चीज है, अगर आप दो तीन लोग घर के हो तो आप बिल्कुल करिए, मैं बिल्कुल श्योरिटी दे रहा हूं आप चला लोगे। पर अगर आप ड्यूटी नहीं दे पाओगे, इतना त्याग नहीं दे पाओगे, समर्पण नहीं दे पाओगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये किराना व्यवसाय आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। और जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।